हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सभी लोगों ने अपना अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज में, तो कितने रैंक तक आपका रैंक है जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, कैलकुलेटेड वे में बताऊंगा, कोई भी बात हवे में नहीं करूंगा, हर एक चीजें डाटा के साथ दिखाऊंगा कि कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेजें हैं, बॉयज का अलग बताऊंगा, गर्ल्स का अलग बताऊंगा। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, हर एक चीजें क्लियर होगी। गर्ल्स का थोड़ा ज्यादा रैंक होगा, फिर भी उसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है क्योंकि उसकी सीटें ज्यादा है। क्यों सीटें ज्यादा है हर एक चीजें मैं बताऊंगा, कौन से कॉलेज हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिंगल वीडियो में मिल जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गर्ल्स का। देखिए इस चैनल पे उदित एकेडमी के चैनल पे इस वीडियो से पहले जस्ट एक वीडियो से पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि मैंने सारे एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब ज्यादा बेटर क्लियर होगा क्योंकि एक ही चीजों को दोहराना यहां पे मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हां, अगर नहीं देखना चाहते तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर बता दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको सारा नाम उसमें बताया गया, टोटल फीस बताया गया, टोटल सीट बताया गया, हर चीज। यहां पे मैं टोटल फीस वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ नाम बता दूंगा कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं या फिर कौन से कॉलेज हैं जो कि दोनों के लिए हैं, ठीक है, किसमें कितना सीटें हैं, इस प्रकार से बात करेंगे, ठीक है। आप इस उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, देन वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज नाम से मेरा खुद का वीडियो है वो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है कितने, ठीक है, आपको देखिए दो प्रकार का कॉलेज है जिसमें कि आपको एडमिशन लेने का सबसे बेस्ट वे होता है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज का मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल, पहले हम लोग गवर्नमेंट या एडेड का बात करेंगे। एडेड गवर्नमेंट तो पता है आपको, सरकारी कॉलेज हो गया। एडेड का क्या मतलब होता है, एडेड कॉलेज वैसे कॉलेज होते हैं जिनको सरकार फंड देती है, मतलब इस कारण से जो एडेड कॉलेज का फी होता है प्राइवेट के तुलना में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि सरकार भी उसे फंड करती है, और एडेड कॉलेज को जब सरकार फंड कर रही है इसका मतलब है कि उसको पूरे तरीके से मान्यता प्राप्त है। मतलब आप एडेड कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो अपना फ्यूचर सेफ समझ सकते हैं, मतलब प्योरली सेफ रहेगा आपका फ्यूचर, क्योंकि बेटर होता है एडेड कॉलेज बनने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ता है कॉलेज को, तब जाके वो एडेड बनता है, ठीक है। चलिए अब जो गर्ल्स का जो गवर्नमेंट कॉलेज का संख्या है वो चार है, क्या है, चार कॉलेज है जितने की। देखिए आप क्वालिटी हाई कर लीजिए अपने मोबाइल का ताकि आपको हर एक डाटा क्लियर दिख सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है गर्ल्स के लिए वो चार है, ठीक है, और चार में से एक कॉलेज ऐसा है जो कि सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स। चार कॉलेज है टोटल, मतलब ये फार्मेसी का, उसमें से सिर्फ एक कॉलेज है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और मतलब तीन कॉलेज है जो कि जिसमें गर्ल्स भी पढ़ सकता है, बॉयज़ भी एडमिशन ले सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, गर्ल्स के लिए तो चार हो गया लेकिन बॉयज़ के लिए तीन हो गया। जैसे कि मैं तीनों दिखा दे चारों दिखा देता हूँ। देखिए चार कॉलेज है, पहला एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी जो कि गवर्नमेंट है, इसमें लड़का लड़की दोनों लगा सकता है एडमिशन। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी वाला, ये भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, इसमें भी दोनों पढ़ सकता है, ये लड़का भी लड़की भी, बॉयज भी गर्ल्स भी। लेकिन यहां पे जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट गर्ल पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रयागराज वाला जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो इसका सीट तो सिर्फ गर्ल्स के लिए हो जाएगा ना, 44 सीट एक्स्ट्रा मिल गया। फिर अगर बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, तो यहाँ पे भी 44 सीट है जिसमें कि क्या है, लड़का लड़की दोनों का है, तो यही 44 सीट का एडवांटेज मिल जाता है गवर्नमेंट में लड़कियों को। अब बात करें कि एडेड कॉलेज कितने हैं, तो एडेड कॉलेज टोटल दो हैं, उसमें से भी एक कॉलेज है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व है, जिसमें कि सिर्फ गर्ल्स को मतलब एडमिशन मिलेगा। तो वहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन सा है, एक है जनता पॉलिटेक्निक जहानाबाद बुलंदशहर जिसमें कि दोनों को मिलता है, लड़का लड़की दोनों को एडमिशन मिलता है, जिसमें कि 44 सीट है। और एक है कॉलेज श्री रामा देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर है शायद, तो कानपुर में ये कॉलेज है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो ये भी एडवांटेज 44 सीट का मिल जाता है गर्ल्स को, जिस कारण से गर्ल्स का थोड़ा ज्यादा रैंक रहता है फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल सीटें हैं कितनी, ठीक है, गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो कितना टोटल कॉलेज हो गया, चार,
क्योंकि गर्ल ऐसा तो नहीं है कि जो बॉयज़ जो कॉलेज है उसमें सिर्फ गर्ल्स नहीं एडमिशन ले सकती हैं, उसमें तो दोनों हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेज हैं, दो हैं ऐसे, एक गवर्नमेंट और एक एडेड, जिसमें कि सिर्फ गर्ल्स ले सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल्स को थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं कितना, गर्ल्स को 4 कॉलेज है, एडेड को 2 कॉलेज है। तो इस तरीके से हमारा टोटल हो गया कितना, 6 कॉलेज। देखिए, अगर डायरेक्टली मैं बता दूं कि इतने रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अलग तरीका होगा, उससे आपको समझ नहीं पाएगा कि आखिर कैसे डिसाइड करते हैं रैंक। रैंक डिसाइड करने का फैक्टर ये होता है कि कितने कॉलेज हैं, उसमें कितनी सीटें हैं, इस तरीके से। और मैं ओपन रैंक की बात करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी को नहीं लूंगा, कैटेगरी में आगे पीछे 10-5 आप कर सकते हैं खुद से भी, मैं ओपन रैंक की बात करूंगा, ठीक है। रैंक डिसाइड करने का फैक्टर होता है, मैं इसलिए तो बोला प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा आखिर कितने ऐसे, मैं कैसे कह सकता हूँ कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अब बात करें कि नंबर ऑफ टोटल कॉलेज 6 है तो नंबर ऑफ सीट कितने हैं, तो इधर मैंने गवर्नमेंट वाला लिखा है, इधर मैंने एडेड वाला लिखा है, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पहला कॉलेज मैंने दिखाया था, देखिए आपका पहला कॉलेज में कितना सीट है, 66, दूसरे कॉलेज में कितना सीट है, 44, और तीसरे कॉलेज में भी कितना सीट है 44, चौथे कॉलेज में भी कितना सीट है, 44। लेकिन तीसरा कॉलेज क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो वो चीज़ मैंने इंडिकेट वहाँ पे कर दिया है। इस प्रकार से क्या हुआ, 66, फिर 66, 44, तीसरा कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए जिसको मैंने राउंड किया है, फिर चौथा कॉलेज है 44। इस प्रकार से टोटल गवर्नमेंट की सीट कितना हो गया, 198। जब आप इस सारे को ऐड करेंगे तो 198 होता है। फिर एडेड कॉलेज कितने हैं, 2, दोनों में कितने कितने सीटें हैं, 44 44, और एक कॉलेज जो है जिसको मैंने राउंड किया है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इस तरीके से गर्ल्स का कितना हो गया, 88, ठीक है, 88 सीट हो गया एडेड में, 198 सीट हो गया गवर्नमेंट में। अगर टोटल सीट का बात करें, दोनों को जोड़ देंगे तो 198 और 88 को जब जोड़ेंगे तो 286 सीट्स आती हैं, जो कि गर्ल्स के लिए सीट है। मतलब गर्ल्स इतने सीट पर फाइट करेगी, गर्ल्स कितने सीट पर फाइट करेगी, इतने सीट पर फाइट करेगी, ठीक है। लेकिन बॉयज इसके कंपेरिजन में कितना सीट कम हो जाएगा, 44 44, मतलब 88 सीट कम पे फाइट करेगा बॉयज़, लेकिन गर्ल्स इससे ज़्यादा, मतलब लड़के से 88 सीट ज़्यादा पे फाइट करेगी। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप वीडियो में लास्ट तक जब बॉयज़ वाला देखिएगा ना सेक्शन, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि जब 286 सीट है, कुल कितना है, 286 सीट है, तब तो आपका कहना होगा कि 286 सीट है तो 286 बच्चा का सिलेक्शन होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा का मतलब आया रिजल्ट वो ले ही लेगा एडमिशन। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब नहीं भी लेते हैं एडमिशन, कुछ बच्चे का दूर हो जाता है, या फिर जैसे कि इसमें नीट वाले बच्चे भी भर देते हैं फॉर्म, खास करके ग्रुप बी वाले में, तो उनका हो सके नीट का पेपर अच्छा गया हो, कुछ होता है बीएससी नर्सिंग करने चले जाते हैं, कुछ बी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि हर बच्चा ले लेता है, तो हम लोग एक अनुमानित तौर पे मान के चलते हैं कि इतना, मतलब 286 सीट है तो उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कितना आता है, 858 रैंक। मतलब है कि हम कह सकते हैं कि लगभग 850 रैंक तक, 850 रैंक तक का बच्चा जितना भी है गर्ल्स में, 850 रैंक तक के जितने भी गर्ल्स हैं वो कन्फर्म आप काउंसिलिंग कराइएगा। जरूरी नहीं कि कॉलेज मिल जाएगा, अगर 858 जब 286 सीट है तो 800 बच्चे को कैसे कॉलेज मिलेगा, मेरा कहना यही है। लेकिन हाँ, हो सके टॉप ऑर्डर वाला बच्चा छोड़ दे सीट तो आपके नसीब में हो, इसलिए काउंसिलिंग कम से कम मैं कहूंगा कि 850 रैंक वाली लड़कियां तक है, लड़की जिनका भी रैंक 850 तक है वो जरूर से जरूर करवाइएगा काउंसिलिंग, क्योंकि हो सके कई बच्चे छोड़ते हैं सीट तो आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब बोलिएगा कि सर आपने तो फिर वही दुविधा में फंसा दिया, तो मैं सेफ रैंक बता देता हूं कि गर्ल्स का अगर इतने रैंक के अंदर है तो कन्फर्म उसका सिलेक्शन होगा, तो सेफ रैंक है अंडर 300। 300 रैंक के अंदर हैं आप, यदि गर्ल्स हैं और 300 रैंक के अंदर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको 110% कॉलेज मिलेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज कोई भी मिल सकता है, वो आपके चॉइस फीलिंग पे डिपेंड करेगा कि आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो 300 रैंक के अंदर में है तो आपको कन्फर्म कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 300 के बाद वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप गर्ल हैं और गर्ल हैं तो आप कम से कम, यदि आपका रैंक 850 तक है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है, शायद 250 रुपया लगता है, तो आप 250 रुपए की बाजी लगा के देखिए, हो सके
टॉप ऑर्डर का बच्चा यदि छोड़ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैं ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ। ये हुआ गर्ल्स का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बॉयज़ के बारे में, बॉयज़ के बारे में क्या है। देखिए बॉयज़ के साथ थोड़ा अन्याय हुआ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा 2 कॉलेज बनाए गए हैं, है ना, लेकिन बॉयज़ के लिए तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि जिसमें सिर्फ बॉयज़ पढ़ेंगे लेकिन गर्ल्स नहीं पढ़ेगी, खास करके फार्मेसी के लिए। तो जहाँ बॉयज़ पढ़ेंगे वहाँ गर्ल्स भी पढ़ेगी, लेकिन गर्ल्स के लिए एडवांटेज है 2 कॉलेज का, इस कारण से बॉयज़ का थोड़ा सीट कम हो जाता है। तो बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितना, गवर्नमेंट कॉलेज है 3 ही है। देखिए फार्मेसी का 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से एक जो है क्या है वो सिर्फ फीमेल के लिए, अभी पहले दिखाया था ना, तो जो बचा 3 वो उसमें दोनों पढ़ सकता है। तो बॉयज़ के लिए जब जहाँ दोनों होगा तो वहाँ बॉयज़ होगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज 3 गो हो गया और एडेड भी 2 गो है, तो उसमें से एक गो किसके लिए है, सिर्फ फीमेल के लिए। तो यहां पे भी कितना बचा, सिर्फ 1 कॉलेज। तो इस तरीके से टोटल कॉलेज मात्र किसके लिए, बॉयज के लिए मात्र 4 कॉलेज है। बॉयज के लिए कितना कॉलेज है, 4 कॉलेज है। 4 कॉलेज में अब कितनी कितनी सीटें हैं, तो देखिए जो पहला कॉलेज था उसमें 66 सीटें हैं, दूसरा कॉलेज क्या था 44 सीट, तीसरा कॉलेज जो था आपको किसके लिए था, फीमेल के लिए था, उसको छोड़ दिया, फिर चौथा कॉलेज जो था उसमें भी 44 सीट थे, 44 सीट है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट सीट कितना हो गया, 154 कितना हो गया, अगर ऐड करेंगे तो 154 आता है। फिर एडेड कॉलेज मात्र 1 है बॉयज़ के लिए, तो जब 1 है बॉयज़ के लिए तो वहाँ पे भी कितने सीटें हैं, 44 सीटें हैं। तो 44 सीट इधर हो गया और 154 सीट इधर हो गया। अब हम दोनों को ऐड करें तो टोटल सीट है लड़का के लिए 198, कितना है 198। इसका मतलब है कि 198 रैंक तक बच्चा, मतलब रैंक नहीं, इतना बच्चा का सिलेक्शन होगा लड़का में, ठीक है। 198, देखिए कहने का अर्थ हुआ कि 198 ये बच्चा तक का सिलेक्शन होगा तब, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चा एडमिशन ले लेगा। तो देखिए लड़का है यदि आप, तो आपको भी वही हम बोलेंगे इंटू 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जब 198 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 594 रैंक आता है, कितना 594 रैंक। देखिए मेरा तजुर्बा है ये रैंक डिसाइड करने का, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामिनेशन का भी, जैसे हमारे टीचर भी हुआ करते थे तो वो इसी तरीके से ये रैंक को एक्सपेक्ट करते थे और बिल्कुल सही होता था, 150 आगे पीछे होता था, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 198 सीट है तो 198 ये रैंक तक का एडमिशन होगा, नहीं, सारा बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है। जो कि क्योंकि जिनका रैंक 1 आया होगा उनका जरूर है कि तैयारी बहुत बेटर होगा, और बेटर तैयारी है तो इसका मतलब है कि उनका हो सके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट हो गया होगा, हो सके नीट का पेपर अच्छा चला गया होगा, तो उधर वो जाएंगे कि फार्मेसी में एडमिशन लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये है कि लड़का मतलब अगर 594 यानी 600 रैंक तक है, कितना 600 रैंक तक है, तो आप आराम से काउंसलिंग करवाइए। 250 रुपया मेरे नाम पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए कि सर बोले थे इसीलिए इन्वेस्ट कर दिए हम, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका रैंक 600 के अंदर है तो आप काउंसलिंग कंफर्म करवाइए, ठीक है, काउंसलिंग करवाइए, आपको सीट मिलने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। वैसे तो कहूंगा कि लड़का हो या लड़की हो, अगर 1000 के अंदर रैंक है तो आप काउंसलिंग करा दीजिए, लेकिन हाँ ये वो बच्चे छोड़ सकते हैं जिनका 1000 रैंक है, लेकिन हाँ जो बच्चे 600 के अंदर रैंक छोड़ेंगे, अगर मेरे को पता चल गया तो मैं पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा डांटूंगा, क्योंकि छोड़ना नहीं है। 600 के अंदर रैंक यदि है तो आप काउंसलिंग करवाइए, हो सके आपको सीट लास्ट राउंड तक में मिल जाए, जरूरी नहीं कि फर्स्ट राउंड में मिले। और याद रखिएगा ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, लास्ट राउंड तक, चौथे पाँचवें तक राउंड तक आपका काउंसलिंग खास करके फार्मेसी वाला चलता है, वैसे तो चलता है यूपी पॉलिटेक्निक का 12 राउंड तक, लेकिन आपको पांचवें छठे राउंड तक कम से कम डटे रहना है, ठीक है। अब बात करें कि सर बॉयज के लिए सेफ रैंक क्या है, बॉयज का कितना रैंक रहेगा जिससे कि कंफर्म कॉलेज मिलेगा, तो भैया मैं कहूंगा वही 210 से 220 रैंक, मतलब 220 मान सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 220, तो 220 रैंक तक के अंदर जो भी बच्चा, मैंने यहाँ 200 लिखा है लेकिन हाँ 220 रैंक के अंदर तक जो भी बच्चा है ना, उनका सिलेक्शन 110% मैं गारंटी लेता हूँ, यदि वो बॉयज़ हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कि या तो गवर्नमेंट या तो एडेड मिल जाएगा, वो चाहे सेकेंड राउंड में मिले या थर्ड राउंड में मिले, लेकिन मिल जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए सिर्फ रैंक हो गया कितना, लगभग 210 या 220,
और गर्ल्स के लिए सेफ रैंक हो गया 300 रैंक। 300 रैंक से अंदर है तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। वैसे हमारे पास कई बच्चे का रैंक कार्ड आ चुका है जिनका कि अच्छा अच्छा रैंक है, अंडर 50 रैंक वाले भी बच्चे हैं। मैं सभी के बारे में रिवील करूंगा, सभी के बारे में मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक आए हैं। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप उदित एकेडमी पे हैं तो आप उदित एकेडमी पे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे जो भी कंटेंट दिए जाते हैं वो जेन्युइन कंटेंट दिए जाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, हो सके थोड़ा लेट हो जाता है मेरे को इन्फॉर्मेशन बनाने में, लेकिन मैं गलत अफवाह नहीं फैलाता हूँ। जहाँ तक हो सके गलत अफवाहों से आपको बचा के रखता हूँ और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड रैंक। मेरा ख्याल से आप समझ गए होंगे हर एक चीज़ें। और अगर नहीं समझ में आया ये वीडियो में कैलकुलेशन मैंने कैसे कैसे किया, तो आप एक बार इसका जो कॉलेज वाला वीडियो है ना एडेड, इसके पीछे वाला वीडियो वो देख लीजिए, देन इसको एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और जो भी आपका डाउट वगैरह है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको वो डाउट अगर लगा कि वैलिड डाउट है, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा को पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना दिया रैंक के लेकर के, ठीक है। हर एक चीज़ आप आपका और क्या डिमांड है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वो डिमांड पढ़ता हूँ और उस पर सोचता हूँ, फिर उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जो भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, भैया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो सबसे पहले ये देख लेना, जब तक अपने आँख से उस कॉलेज के बारे में नहीं देख लेना कि उसका कोई जो बच्चा पहले से पास कर चुका है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी यूट्यूबर पे नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता रहा है ज़्यादातर चांस है कि वो पेड प्रमोशन कर रहा हो, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको फालतू में फंसना नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे सावधान रहे, वो क्या करेंगे, उस कॉलेज में जाएंगे और उस कॉलेज में पहले जाएंगे जहाँ एडमिशन लेना है, और उसका कोई सीनियर बच्चा होगा, मतलब जो पढ़ चुका है वहाँ से या फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उनसे राय ले कि आखिर उस कॉलेज में क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, नहीं है, क्या है नहीं है, लनपन बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट में ना। तो इसलिए पहले पूछ ले, ताश ले, देन आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर बात रहे फीस की तो 2 साल में मैं कहता हूँ कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया तो कन्फर्म आपका लग ही जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं और रैंक खराब आया है इस बार, तो आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बार मैं 110% गारंटी लेता हूँ कि यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करना जानते हैं, रोज़ 3 से 4 घंटा बस पढ़ के दिखा सकते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगस्त से नेक्स्ट बैच का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा 2023 वाले बच्चे का, चाहे वो CUET हो, क्योंकि फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए अब बेस्ट कौन सा है, CUET एग्ज़ाम है। इस बार आप जो फॉर्म भरें वो एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर रिजल्ट होता है तो वो चले जाइएगा, कॉलेज ले लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो 2023 के लिए हम लोग CUET और UP पॉलिटेक्निक को फोकस करते हुए बच्चों को प्रिपरेशन करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको बस इस चैनल से जुड़े रहना है, उदित एकेडमी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये रहा, और बात रही कि अब आप क्या हुए, हाँ, इसका यदि PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे PDF शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे पढ़ के बाद में भी आप समझ सके कि आखिर क्या बोलना चाह रही। देखिए इसी वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा था, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है। और बात रही कि अब आप फार्मेसी में मान लेते हैं एडमिशन करा लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है उदित फार्मेसी का YouTube चैनल। आपको पता होगा शायद कि हमारा उदित फार्मेसी का YouTube चैनल, हम लोग बेसिकली उदित फार्मेसी पे ही वर्क करते थे, लेकिन हाँ एंट्रेंस एग्जाम को भी अब से फोकस कर लिए हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम उदित एकेडमी पे तैयारी होता है फार्मेसी के लिए, और उदित फार्मेसी पे फार्मेसी का एकेडमिक की पढ़ाई होती है, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, और कंप्लीट वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारा ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से, अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से, जिनको कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, बहुत लो कॉस्ट में एक बेहतर तैयारी कराते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। तो पहले आप एडमिशन लीजिए, देन आप उदित फार्मेसी से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ठीक है। और जो बच्चे जिनका रैंक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा क्या, 500 to 600 के अंदर रैंक है, वो अपना रैंक का, अगर उनको लगता है कि उदित
एकेडमी से उनको कुछ भी हेल्प मिला है, खास करके मिथिलेश कुमार मेरा नाम है, मेरे से आपको यदि कुछ भी हेल्प मिला है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना रैंक कार्ड कर दीजिए। मैं उस रैंक कार्ड को देखूंगा, रैंक एनालिसिस नंबर के साथ रैंक एनालिसिस करूंगा और हो सके तो आपके बारे में आपसे कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करूंगा कि आपको आगे किस तरीके से गाइड किया जाए काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको हमारा चांस ये रहेगा, हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि आपको चाहे रैंक जैसा भी हो कॉलेज तक पहुंचाया जाए। ठीक है, आपको कॉलेज तक पहुंचाया जाए, अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए तो अच्छा होगा और हमारे लिए भी सबसे बेस्ट होगा कि हमारे एक स्टूडेंट का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये रही हमारा आज का वीडियो, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या और टॉपिक चाहिए, लगातार वीडियो आते रहेंगे, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ओके, बाय बाय।